हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 एस्ट्रो। क्या आप कुंडली मिलान करते हैं? और जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो आप जिस सॉफ्टवेयर पे करते हैं उसमें जब भकुट दोष या नाड़ी दोष निकल कर आता है तो आप क्या करते हैं? आप अच्छा रिश्ता ठुकरा देते हैं या आप ये सोचकर उस रिश्ते को कंसिडर नहीं करते कि इसमें तो दोष आ रहा है और हमें लाइफ में सेफ चलना है। सो लाइफ में सेफ चलना ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में सेफ चलने के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो सेफ्टी धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। और आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम भकुट दोष के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हम कुंडली मिलाते हैं और वो सॉफ्टवेयर आधी अधूरी कैलकुलेशंस करके हमें भकुट दोष बता देता है और नाड़ी दोष भी बताता है कई केसेस में। सो जब वो सॉफ्टवेयर भकुट दोष बताता है और हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो भकुट दोष कैंसिल हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है एंड एक अच्छा पोटेंशियल रिश्ता जिसे हमने मना कर दिया है या जिसे हमने छोड़ दिया है ड्यू टू दिस दोष, वो दोष वैलिड ही नहीं था। एंड हम ये देखेंगे कि जनरली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो रिवील नहीं करते कि उन्होंने पीछे क्या कैलकुलेशन करी, बट उन कैलकुलेशंस के चलते 50% कुंडली मैचमेकिंग में भकुट दोष आना चाहिए। और हम एंड में ये देखेंगे कि एक दो कैंसिलेशन रूल्स को लगाते ही कैसे ये नंबर सरप्राइजिंगली 85% तक भकुट दोष वैलिड होता ही नहीं है। सो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि भकुट दोष होता क्या है। भकुट, भ और कूट, भ का मतलब राशि और कूट मतलब एक तरीके का मिलान या एक तरीके की मैचिंग। सो भ कूट को जब मिलाते हैं तो ये पूरी राशि बेस मैचिंग है और जो बॉय और जो गर्ल है उसकी राशि के बेसिस पे हम मैच मेकिंग करते हैं। सो वो जो राशि है उसका एक सीक्वेंस है। अगर बॉय और गर्ल की राशि में जो आपस में डिस्टेंस है, एंड जब हम राशि बोलते हैं उसे हम मून साइन को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एंड मून साइन अगर आपको निकालना है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी असली राशि क्या है, वो आपका जोडियक साइन जो न्यूज़पेपर्स में है, मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स या ऑनलाइन पोर्टल्स पे वो नहीं होता, जो डेट वाइज आप देखते हैं आपकी कुंडली की राशि आपका मून साइन होता है। मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया हुआ है कि आपकी असली राशि क्या है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। भकुट दोष की बात करें तो ये राशियों की मैचिंग है आपस में। बॉय की राशि से गर्ल तक की राशि का जो डिस्टेंस होता है न्यूमरिक टर्म्स में, उस राशि के बेसिस पे ये देखा जाता है कि भकुट दोष है या नहीं है, यानी भकुट मिल रहा है या नहीं है। दोष तो बहुत दूर की बात है क्योंकि दोष वैलिड ही नहीं होता 85% केसेस में। अब अगर हम भकुट की बात करें, भकुट मिलान क्यों करना इंपॉर्टेंट है और भकुट मिलना जरूरी क्यों है। सो अगर भकुट है, राशि है, राशि हमारे जनरल जो ओवरऑल लाइफ है उसमें कई सारी चीजों को सिग्निफाई करती है। अगर बॉय और गर्ल की राशि का जो डिस्टेंस है वो 2 और 12 है, उसे द्विद्वादश भी कहा गया है, और जब जिस केस में वो भकुट दोष कैंसिल नहीं हो रहा है, जो बहुत मिनिमल केसेस होते हैं, उसमें उसे द्विद्वादश दोष कह देते हैं। और ये द्विद्वादश दोष फाइनेंशियली उस मैरिड कपल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही नवम पंचम होता है। नवम पंचम में जब बॉय और गर्ल की राशि में डिस्टेंस 5 और 9 होता है, सो अगर बॉय से गर्ल की राशि को हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पंचम एंड नवम, उसके आगे 6, 7, 8, 9। सो अगर बॉय से गर्ल को काउंट करें तो 5 और जब गर्ल से बॉय को काउंट करें तो 9। सो नवम पंचम इस तरीके से आपस में रहता है डिस्टेंस, तो उसे नवम पंचम कहते हैं। इस केस में फ्यूचर जनरेशन जो बच्चे होते हैं उनके लिए या कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है या चाइल्ड को कुछ इशू आ सकता है, ये माना गया है। तीसरा होता है षडाष्टक, 6 और 8 का डिस्टेंस। बॉय से गर्ल की राशि को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 षड एंड देन गर्ल से बॉय को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिस इज षडाष्टक, 8 इज 8 अष्टक एंड षडाष्टक जो इसे कहते हैं। इस केस में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उस कपल को आ सकते हैं, ऐसा माना गया है। लेकिन भकुट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि भकुट इंपॉर्टेंट नहीं है और उसे नहीं मिलाना चाहिए, उसे मिलाना चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट यह है कि उसको मिलाकर अगर हम एक फॉल्स दोष के पीछे भाग रहे हैं या फॉल्स दोष के पीछे हम किसी चीज़ के ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो वो गलत है। लाइफ में पॉजिटिव रहिए,
पॉजिटिविटी से चीज़ों को अगर हम मैच करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरीके से हम भकुट को मिलाते हैं। वन जीरो एस्ट्रो में हम सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हम एक सिंपल सा टेबल देखेंगे जिससे आप खुद मिला सकते हैं भकुट, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कैंसिलेशन और बहुत बेसिक कैंसिलेशंस डालने के बाद जब वो 85% तक के चार्ट्स में भकुट दोष नहीं होता मिलान में, तो वो भी शीट है, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, आगे अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एंड कोई अगर मिलता है जो जिसको आपको अवेयरनेस देनी है तो आप उस पर वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या वो शीट भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भकुट दोष पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड दोष, कंप्यूटर दोष या इंटरनेट दोष है, वो भकुट दोष नहीं है, उसके पीछे भागना छोड़िए और किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी एस्ट्रोलॉजर से उसको वेरीफाई कराइए। सो आज आगे बढ़ के इस शीट को देखते हैं। सो आइए देखते हैं कि भकुट दोष या भकुट मिलान किस तरीके से किया जाता है। सॉफ्टवेयर जब कैलकुलेट करता है तो वो क्या कंसिडर करके करता है और कहाँ पर प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से सिर्फ 50% केसेस में मैच होता है भकुट या 50% में दोष रहता है। और जब हम कुछ कैंसिलेशन, बेसिक कैंसिलेशन भी डाल दें तो ये सरप्राइजिंगली नंबर बहुत कम रह जाता है और सिर्फ 15% केसेस में ही दोष एप्लीकेबल होगा, वो भी बेसिक कैलकुलेशन के साथ। इसके अलावा और रूल्स भी लगते हैं जिसकी वजह से दोष कैंसिल हो सकता है, ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर आराम से बता सकता है। सो भकुट मिलान में अगर हम जो रूल है, उस रूल की बात करें, रूल लिखा हुआ है, अगर हम बॉय से गर्ल की राशि या गर्ल से बॉय की राशि तक डिस्टेंस देखें, सो 1, 3, 4, 7, 10, 11 ये पोजीशंस फेवरेबल होती हैं, इसमें दोष एप्लीकेबल नहीं होता। और सेकेंड 2, 5, 6, 8, 9, 12 ये फीजिबल और फेवरेबल नहीं होती, इसमें दोष होता है इन जनरल। इसके बाद कैंसिलेशन लगते हैं, कैंसिलेशन लगाने के साथ भकुट वैलिड नहीं रहता कई केसेस में और ये नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो अगर हम देखें, वन मतलब मेष राशि है गर्ल की, तो बॉय की राशि मेष वन, उसी राशि को पहले काउंटिंग में वन रखते हैं तो यहाँ पर नहीं है, 7 पॉइंट्स मिल गए। फिर मेष से वृष सेकेंड राशि, यहाँ जीरो है। फिर हम थर्ड राशि की बात करें तो मिथुन है, और इस तरीके से ये पूरा चार्ट मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है, ये विदाउट कैंसिलेशन है। और आप जैसे देख रहे हो 6 राशियों में ये बेनिफिक है और 6 राशियों में ये प्रॉब्लमेटिक है, तो 50% चांस है जहाँ पर भकुट दोष होगा। लेकिन क्लासिक्स में जहाँ पर भकुट मिलान या दोष की बात की गई है, वहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर ग्रह मैत्री में पॉइंट्स आ रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में अष्टकूट मिलान में जो ग्रह मैत्री का वीडियो देखा था, उसका भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसे दोबारा। ग्रह मैत्री में जो पॉइंट सिस्टम है उसमें अगर 5 में से 5 या 4 आ रहे हैं तो ग्रह मैत्री फीजिबल है, और ग्रह मैत्री होती है इन दो राशियों के लॉर्ड्स के आपस में फ्रेंडशिप एक तरीके से। सो अगर वो मित्र ग्रह हैं तो भकुट दोष एप्लीकेबल नहीं होता, और इसीलिए हमने उस वीडियो में ग्रह मैत्री को वाइल्ड कार्ड बताया था, क्योंकि उससे गण दोष, जहाँ ग्रह मैत्री है वहाँ गण दोष, भकुट और नाड़ी दोष, ये तीनों दोष एप्लीकेबल नहीं होते। सो सिर्फ ग्रह मैत्री वाला रूल अप्लाई करते ही, जो आप ये राइट हैंड साइड की टेबल देख रहे हैं, इसके अंदर जो जीरो लिखा हुआ है लेकिन डार्क ग्रीन कलर इसमें हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे वो कॉलम्स हैं जहाँ पर राशि की मित्रता है और दोनों प्लैनेट के जो लॉर्ड्स हैं उनके आपस में मित्रता है, और यहाँ पर दोष कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पर 50% बॉक्सेस में जीरो था, उन 50% बॉक्सेस में आउट ऑफ 100 टोटल जो ये बॉक्सेस हैं, इसमें 60% बॉक्सेस कवर अप हो गए, दोष वाले बॉक्सेस 60% कवर अप हो गए, और सिर्फ 15% ऐसे बॉक्सेस बचे जहाँ पर अभी कैंसिलेशन नहीं है। इसके ग्रह मैत्री के अलावा और भी रूल्स होते हैं, जैसे अगर वश मैच हो रहा है तो भकुट दोष एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ क्लासिक्स में ये भी विचार है कि अगर नाड़ी दोष नहीं है तो भकुट दोष का विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं। कुंडली में लग्न चार्ट होता है, नवमान चार्ट होता है, इस तरीके से बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, 16 चार्ट्स होते हैं। अगर नवमान चार्ट में भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि उनका जो लग्न का लॉर्ड है
वो आपस में मित्र है तो भी भकुट कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे एन नंबर हैं। तो ये नंबर 15% तो ग्रह मैत्री की वजह से रह गया, इस 15% में भी 7-8% कैंसिलेशन आ जाएगा अगर आप बाकी रूल्स को बारीकी से देखें, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देख के आपको बता सकता है। एंड ओवरऑल आप देखें तो जो पुराने ज़माने में कहावत थी कि कितने गुड़ मिले, सो यहाँ हम सारे कैंसिलेशंस को अगर कंसिडर करें, ओवरऑल जो भी हमने अभी तक देखे प्रीवियस वीडियोस में भी, सो अगर 18 का स्कोर आ रहा है 36 में से, तो गुड़ मिलान को हम सक्सेसफुल कहते थे। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ गुड़ मिलाते थे, दोष एंड ऑल की ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि कई सारे केसेस में ये कैंसिल हो जाता है। सो हमें इसके पीछे वाकई इतना नहीं भागना चाहिए कि हम अपने माइंड में नेगेटिविटी रखें, पॉजिटिविटी से कुंडली मिलाइए, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर दोष से बचिए। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन डेटा शीट्स को प्रिपेयर करने में, इन रूल्स को एक सिंप्लीफाइड टैबुलर फॉर्मेट में लाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे ऐसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई ऐसा वीडियो मैं लेकर आऊँ जहाँ पर हम सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को एक नए एंगल से देखने की बात करते हैं, तो वो आप मिस ना करें। जब तक के लिए आगे नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।